सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी जडेजा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 500 लाइक है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में T20 सीरीज का पहला और रोमांचक मुकाबला कैनबेरा के ओवल के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि ODI सीरीज को हारने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों के अंदर T20 सीरीज जीतने की एक अलग ही आग मौजूद है जो कि पहले T20 मैच में देखने को मिली। आपको बता दें कि पहले T20 मैच के लिए कप्तान विराट कोहली ने टीम में बहुत बड़े बदलाव भी किए। संजू सैमसन की भी टीम में एंट्री हुई, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको यह बता दें कि मुकाबले में टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, जिन्होंने पहले गेंदबाजी का भी फैसला किया। यह फैसला मुकाबले की शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम भी रहा। भारतीय टीम की सलामी जोड़ी की बागडोर संभाल रहे शिखर धवन व KL राहुल की इस पार्टनरशिप को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगी। पारी के तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर ही शिखर धवन मिचेल स्टार्क की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे, वह भी मात्र एक रन पर। लेकिन इसके बाद फिर मैदान में तूफान आया कप्तान विराट कोहली और KL राहुल का। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी पार्टनरशिप को 7वें ओवर तक संभाले रखा, लेकिन इस दौरान केवल KL राहुल के बल्ले से ही चौके और छक्कों की बौछार भी देखने को मिली। विराट कोहली तो फिर पारी के 7वें ओवर में 9 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन KL राहुल अपनी बेबाक बल्लेबाजी को जारी रखते हुए चले गए। तो 26 गेंदों में ही राहुल के 38 रन हो चुके थे और फिर राहुल को आगे कर मैदान में साथ मिला संजू सैमसन का। तो संजू सैमसन ने भी मैदान पर आते ही चौके और छक्के लगाने शुरू कर दिए थे। इसी कॉन्फिडेंस के साथ KL राहुल ने मात्र 37 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन फिर पारी के 12वें ओवर में संजू सैमसन भी मात्र 23 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 15 गेंदों में 23 रन जरूर बना लिए थे, लेकिन एक बार बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे। नहीं दोस्तों आपको बता दें कि पारी के 13वें ओवर में मनीष पांडे भी बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। अपनी पारी में मात्र 2 रन लगाकर मनीष पांडे भी 13वें ओवर में पवेलियन की तरफ चलते बने। सबकी निगाहें टिकी थी हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की धुआंधार बल्लेबाजी पर। दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को तीसरा ODI मैच जिताया था, लेकिन इससे पहले कि मैदान पर चौके और छक्कों की बारिश जारी रहती, इतने में ही KL राहुल का विकेट भी पारी के 14वें ओवर में गिर गया। आपको बता दें कि पारी के 14वें ओवर में KL राहुल भी 40 गेंदों में 51 रन लगाकर अपना कैच थमा बैठे। चलकर मैदान पर अब हार्दिक पांड्या आ चुके थे और उनका साथ दे रहे थे दोस्तों मैदान पर रविंद्र जडेजा। अब दोनों खिलाड़ियों की पार्टनरशिप पर सबकी निगाहें थी। पांड्या ने अपने आप को पहले क्रीज पर सेट करने की कोशिश करी, 11 गेंदों में 7 रन ही बनाए थे और उसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर सबको मुंह तोड़ जवाब भी दिया। लेकिन दोस्तों फिर आगे चलकर पारी के 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी अपना विकेट गवा दिया। बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में हार्दिक पांड्या 15 गेंदों में मात्र 16 रन लगाकर अब कैच आउट हो चुके थे और अब बल्लेबाजी का सारा जिम्मा आ चुका था रविंद्र जडेजा के कंधों पर। साथ ही दोस्तों उस समय तक भारतीय टीम का स्कोर मात्र 115 रन ही था और वह भी 6 विकेट के नुकसान पर। लेकिन उसके बाद जडेजा ने मैदान में वही करके दिखाया जिसकी सभी फैंस को, पूरी भारतीय टीम को जरूरत थी। आपको बता दें कि पारी के 19वें ओवर में जडेजा ने अपना शिकार हेजलवुड को बनाया। ओवर की पहली गेंद पर ही जडेजा ने खतरनाक चौका जड़ दिया था, परंतु अभी तो जडेजा का तूफान बस शुरू ही हुआ था। आपको बता दें कि इसी ओवर की 4थी गेंद पर जडेजा ने एक और शानदार छक्का जड़कर पूरे मुकाबले का रुख ही पलट कर रख दिया। फिर इस ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर जडेजा ने लगातार 2 चौके जड़कर पूरे मुकाबले का रुख तो बदल ही दिया था और प्रेशर था ऑस्ट्रेलिया की टीम पर। साथ ही दोस्तों इसी प्रेशर का फायदा उठाते हुए जडेजा ने अंतिम ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर स्टार्क को ही लगातार 2 चौके जड़ दिए और इसी 2 चौकों के साथ अपनी 23 गेंदों की इस पारी में जडेजा ने 5 चौके और एक छक्का जड़कर 44 रन लगा दिए थे। दोस्तों कुछ इसी तरीके से जडेजा ने अब भारतीय टीम के स्कोर को सीधा 161 तक पहुंचा दिया। वाकई में तारीफ करनी होगी जडेजा की, सिंगल हैंडेडली बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए 44 रन ऐसी स्थिति में लगाए जहां पर कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। इसके अलावा KL राहुल ने भी 51, हार्दिक पांड्या ने भी 16 और सैमसन ने भी 23 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन दोस्तों खास तौर पर जडेजा के तूफान को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों वनडे सीरीज को जीत के साथ खत्म करने के बाद अब भारतीय टीम T20 सीरीज को आज से ही जीतने के लिए तैयार है, लेकिन कहां खेला जाएगा सीरीज का पहला मुकाबला, कितने बजे से शुरू होगा मैच और वह कौन से खिलाड़ी होंगे भारतीय टीम का जो हिस्सा बनेंगे, जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक तो जरूर बने रहिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में ODI सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम रही। सीरीज के सभी मुकाबले हाई प्रेशर व हाई स्कोरिंग थे, 300 के पार सभी मुकाबले।
मुकाबले गए जिनमें से पहले दो मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। बड़े ही शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय टीम ने तीसरे ओडीआई को अपने नाम किया और 13 रनों से उस मुकाबले को जीता था। और भारतीय टीम भले ही सीरीज को हार गई थी लेकिन उस एक जीत ने सभी खिलाड़ियों के मन में टी20 को जीतने की एक अलग ही जिज्ञासा जगा दी है। उससे बड़ी बात तो दोस्तों कि उस मुकाबले में पांड्या, जडेजा, जसप्रीत बुमराह व शार्दुल ठाकुर के साथ साथ कप्तान कोहली जैसे खिलाड़ी वापस से फॉर्म में आ गए हैं। खैर अब बात करते हैं आज से शुरू होने वाली टी20 सीरीज की। दोस्तों सीरीज का पहला मुकाबला कैनबेरा के मैदान में खेला जाना है। यह वही मैदान है जहां पर अंतिम ओडीआई मैच खेला गया था और भारतीय टीम ने उसे जीता भी था। आपको बता दें कि मुकाबला 1:30 बजे से प्रसारित होना शुरू हो जाएगा जिसे आप सोनी के सभी चैनल्स पर लाइव देख पाएंगे। मौसम की बात करी जाए तो इस मैदान में मौसम साफ रहेगा और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अनुसार मुकाबला वहां पर 6 से 7 बजे के बीच में शुरू होगा तो शाम के बाद रात होते हुए मैदान में थोड़ी बहुत नमी तो आ ही जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार पहले टी20 मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है या फिर दोनों ही टीमों के पास ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो कि पहले टी20 मैच में अपनी टीम को जिताकर ही वापस लौटेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम की सलामी जोड़ी की। इसे तो संभालेंगे शिखर धवन और केएल राहुल। दोनों ही खिलाड़ियों का प्रदर्शन टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए उम्दा रहा है और इन दोनों खिलाड़ियों का आईपीएल सीजन भी बहुत ही ज्यादा उम्दा था। इसके बाद टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे कप्तान विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। दोस्तों टीम के मिडिल ऑर्डर के सभी खिलाड़ियों की तारीफ जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। हाँ ये बात भी नकारी नहीं जा सकती कि ओडीआई सीरीज में हर एक खिलाड़ी ने तो परफॉर्म नहीं किया। अगर टी20 फॉर्मेट की बात करी जाए तो इस बार के आईपीएल के सीजन में विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो, हार्दिक पांड्या या फिर मनीष पांडे सब ने ही उम्दा बल्लेबाजी करके दिखाई थी और पांड्या और जडेजा तो वैसे भी अपनी फॉर्म में वापस से आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यह भी बता दें कि कप्तान विराट कोहली एक युवा ऑलराउंडर को टीम में मौका दे सकते हैं और वह हो सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि विराट कोहली टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के बल्लेबाजी क्रम को बढ़ाने में ज्यादा तवज्जो देते हैं, मतलब कि वह चाहते हैं कि टीम में गेंदबाज भी हो और बल्लेबाज भी हो। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मौके पर तो युजवेंद्र चहल की जगह शायद वॉशिंगटन सुंदर टीम में खेलते नजर आ सकते हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। इसके बाद अगर तेज गेंदबाजों की बात करी जाए तो पहले टी20 को जीतने के लिए टीम में शामिल किया जा सकता है मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह व दीपक चहर को। तीनों गेंदबाजों का कॉम्बिनेशन ही ऑस्ट्रेलिया की टीम पर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों बुमराह तो उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने हाल ही में टी20 फॉर्मेट में आईपीएल जीता है और वह तो विश्व के नंबर 1 गेंदबाज भी हैं। मोहम्मद शमी के पास भी बहुत ही ज्यादा अनुभव है और दीपक चहर को बढ़ते तेज गेंदबाज है जो की भारतीय टीम के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है पहले टी20 मैच को कौन सी टीम जीतने वाली है, भारत या ऑस्ट्रेलिया? इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको दोस्तों यह बता दें कि रोहित शर्मा को लेकर बड़ा अपडेट तो यह है कि तीसरे टी20 से पहले ही रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में पहुंच सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि रोहित शर्मा पूरी तरीके से फिट एंड फाइन है क्योंकि टेस्ट सीरीज की शुरुआत एक लंबे गैप के बाद होगी तो उससे पहले रोहित शर्मा को जरूर ऑस्ट्रेलिया लाया जाएगा। सो पहला मैच हर सीरीज का बहुत ही खास होता है तो कप्तान विराट कोहली चाहेंगे कि अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ उतरें और उसे जीतकर ही आगे